स्टार्टिंग करता हूँ मैं स्टीरियो से। हम लोग पाइनियर का लगा रहे हैं, AVH Z5190BT। ये हमारा हेड यूनिट है पाइनियर का, जो हम लोग लगा रहे हैं क्रेटा के अंदर। और 4 चैनल एम्पलीफायर है हमारा एल्पाइन का, ये आप देख सकते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन, 70W RMS 4 ओम पे। और जो हम स्पीकर लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं इन्फिनिटी कापा के। ये मॉडल आपके सामने है, ये हम 2 पेयर लगा रहे हैं फ्रंट एंड रियर में। और जो हमारी वायरिंग किट है वो कनेक्ट की है, ओरिजिनल कनेक्ट की सी वाली। और इसका जो मॉडल नंबर है वायरिंग किट का वो है CNT 304। 4 गेज की वायरिंग है, फुल कॉपर वायर है। और हम लोग डैम्पिंग कर रहे हैं, 10 शीटें लगा रहे हैं हम लोग डोज में, 2.5 शीट एक दरवाजे के अंदर। डैम्पिंग की जो क्वालिटी है वो भी बहुत टॉप नॉच है, और प्रॉपर गारंटीड डैम्पिंग है कि कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई लीकेज नहीं होगी। ये फ्रंट डोर की डैम्पिंग हो रही है, आप देख सकते हैं अंदर डैम्पिंग कर दी है हमने, अब बाहर की तरफ से करने वाले हैं। ये स्पीकर कपड़ा है जो हमने लगाया इसके साथ में, इसे कोई तार नहीं काटी हमने, प्रॉपर हार्नेस लगा के फिट किया, आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी। और ये क्रॉसओवर है कापा का, प्लस ये स्पीकर है जो हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। फ्रंट डोर हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये कापा इंस्टॉल कर दिया, आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड का है पीछे का दरवाजा। ये पीछे वाला दरवाजा हो गया, इसमें डोर डैम्पनिंग हो रही है, आप देख सकते हैं डैम्पनिंग की क्वालिटी बहुत टॉप नोच है, बहुत प्रॉपर तरीके से लगाई हुई है और क्वालिटी बहुत एक क्लास है। इसकी लाइफ टाइम गारंटी देते हैं हम लोग, ना इसमें कोई स्मेल आएगी ना ये लीक करेगी। प्रॉपर तरीके से लगाई जाती है, इसको हमने अंदर से भी लगाया है, देख सकते हैं आप। ये पावर वायर है कनेक्ट की जो हमने लगाई है, और ये फ्यूज है, ये सबसे हैवी वायर है ये वाली, आप देख सकते हैं मोटी वायर है, क्वालिटी टॉप एंड है, फुल कॉपर है। ये वायरिंग है जो जा रही है सीट के नीचे, इसको भी सब अंडरग्राउंड कर देंगे हम लोग। ये हमने रिवर्स कैमरा लगाया है डिग्गी पे, नंबर प्लेट वाली जगह पे, आप देख सकते हैं प्रॉपर गाड़ी के हिसाब से आता है, LED कैमरा, रिवर्स गियर डालेंगे इसमें LED में लाइट आ जाती है, प्रॉपर पोजीशन में फिट हुआ हुआ है। ये पाइने का हेड यूनिट है जो हमने अभी क्रेटा में लगाया है, आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के थ्रू लगाया है, प्रॉपरली लगाया हुआ है, प्रॉपर फिनिश किया हुआ है। ये फ्रेम हमने चेंज किया है, ओरिजिनल टाइप फ्रेम है, प्रॉपरली फिट है, आप देख सकते हो कोई कमी नहीं फिनिशिंग में किसी तरीके की भी। और जो स्टीरियो भी हमने इंस्टॉल किया है प्रॉपर लगा हुआ है, किसी तरीके का कोई गैप नहीं है, काफ़ी अच्छा लग रहा है लगा हुआ। ये मॉडल मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मॉडल है पाइनियर का Z5190। इसमें आपका एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले का फीचर है, जिससे आप मोबाइल कनेक्ट कर करके मोबाइल की एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये DVD प्लेयर भी है। इस मॉडल का एक और बेनिफिट है, इसमें तकरीबन वीडियो के सारे फॉर्मेट कंपेटेबल हैं, जो नॉर्मली पाइने के लोअर मॉडल्स में नहीं होते हैं। क्लैरिटी वगैरह अच्छी है, HD है स्टीरियो, और आउटपुट वाइज तो पाइने का कोई मुकाबला नहीं है, चाहे आप कोई भी ब्रांड लगा लीजिए, पाइनियर नंबर 1 है। और इसमें जो हम स्पीकर लगा रहे हैं उसके बाद इसका आउटपुट बहुत ही अच्छा आने वाला है। अभी हमारा काम चल रहा है, एम्पलीफायर कनेक्शन होना है, और अभी एक दरवाज़ा भी रहता है स्पीकर लगाने के लिए, फिर मैं आपको फाइनली एक आउटपुट सुनाऊंगा इसकी, जो हमारी इस गाड़ी में निकल रही है। ये हमारा 4 चैनल एम्पलीफायर एल्पाइन का, जो हम सीट के नीचे लगाने लगे हैं। ये इसके अंदर सेटिंग्स होती हैं, और यहाँ पे वायर कनेक्ट होती है। ये प्रॉपर ओरिजिनल एम्पलीफायर होता है एल्पाइन का, बाजार में लोग जो V12 कह के बेचते हैं वो एल्पाइन नहीं होता, एल्पाइन ये है। सिस्टम की सेटिंग चल रही है, हम लोग ऑडियो सेटिंग कर रहे हैं, एम्पलीफायर हमने लगा दिया है, आउटपुट बहुत ही जबरदस्त आ रही है, नो डाउट कापा से अच्छा स्पीकर कोई आता नहीं है, दी बेस्ट स्पीकर है।
बच्चे का जो ट्विटर है हमने दरवाजे में लगा दी है, और जो आगे का है हमने वो आगे फ्लैप पे लगा दी है, ये देख सकते हैं आप। हमारा काम कंप्लीट हो गया है, साउंड आउटपुट बहुत जबरदस्त है, बहुत ही अच्छी आ रही है, कस्टमर को 100% सेटिस्फेक्शन आउटपुट से। कापा की खास बात और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें बेस भी अच्छी आती है कंपोनेंट के अंदर, बाकी कंपोनेंट्स में किसी में बेस नहीं आती, बट कापा में कुछ बेस होती है, जैसे अगर आप ऊपर नहीं लगा रहे हो तो उसकी भी आपको कमी नहीं फील होती है। तो सिस्टम बहुत ही अच्छी आउटपुट दे रहा है, होप आपको आउटपुट का आइडिया लग पा रहा होगा मोबाइल रिकॉर्डिंग में। इसमें हमने स्टीयरिंग कंट्रोल भी लगाया जिस पर हमने उसको पाइनरी को कंपेटेबल कर दिया है। होप तो आपको हमारा काम पसंद आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।